दोस्तों यूपीएससी मेंस में एक पेपर वैकल्पिक होता है। इस विषय का चयन अभ्यर्थियों के लिए विशेष होता है क्योंकि आपके रिजल्ट को प्रभावित करता है, इसलिए एस्पिरेंट्स को इस विषय का चयन बहुत ही सावधानी से और सोच समझकर करना चाहिए। यूपीएससी मेंस का एग्जाम सितंबर के महीने में होने जा रहा है, तो इस बचे हुए समय में एस्पिरेंट्स अपनी मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी करते समय एस्पिरेंट्स के मन में ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर प्रश्न उठते हैं कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट चूज करें जिससे अच्छा स्कोर हो सके। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते समय सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक ऐसा पेपर होता है जिसकी चॉइस आपके हाथ में होती है, तो आपको वह सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और साथ ही जिसमें आप अपना 100% भी दे सकें, क्योंकि अगर आप अपने पसंद का सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलती है, साथ ही आपके ऊपर कोई अतिरिक्त प्रेशर भी नहीं होता है। अब हम आपको उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताएंगे जो ऑप्शनल में चुनने होते हैं, साथ ही वे सब्जेक्ट्स जिन्हें चुनने से आपको जीएस पेपर में भी मदद मिलेगी। दोस्तों ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें यदि आप ऑप्शनल में चुनते हैं तो आपको ऑप्शनल के साथ साथ बाकी पेपरों जैसे जीएस एसए में भी आपको मदद मिलेगी। इनमें हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पीएसआईआर, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, लॉ, फिलोसफी। इसके अलावा हैं एंथ्रोलॉजी, मैथ्स, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, लिटरेचर सब्जेक्ट्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स एंड अकाउंट्स और मेडिकल साइंस। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके वैकल्पिक पेपर के अलावा आपको दूसरे पेपर जैसे जीएस और एसए में मदद नहीं मिलेगी। हमने जो अभी आपको सब्जेक्ट्स बताए इनमें से आप एक सब्जेक्ट अपने ऑप्शनल पेपर के लिए चुन सकते हैं। अब आपको उन टॉप सब्जेक्ट्स के नाम बताते जिनमें साल 2019 में ज्यादा मार्क्स एस्पिरेंट्स को प्राप्त हुए थे। इनमें है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा साल 2020 में फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। तो देखा आपने सिर्फ दो सालों में ही टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कितना अंतर है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप दूसरों को देखकर या ट्रेंड को देखकर ऑप्शनल का चुनाव ना करें, अपनी समझ और रुचि को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव करें, क्योंकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही तरह के सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। आप वही चूज करें जिसमें आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो। तो अगर आप इस बार मेंस देने वाले हैं या फिर आगे कभी परीक्षा देने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके ऑप्शनल चूज करने में काफी मदद करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।